सब्सक्राइब कर लीजिए, आई होप सबने कर लिया होगा। कोई मिसिंग टूल्स है आज के? सर भीम के एक पाना और एक चाबी गायब है, और मंटू की एलएल की और स्कूल ड्राइवर के अंदर का पूरा सेट गायब है, सिर्फ बॉक्स बॉक्स है। अरे भाई जो रखा हुआ उसको रखा है आगे का चलो, जिसको भी पता हो बाय चांस तो प्लीज रख देना उनके टूल्स, क्योंकि वो हाफ डे में चले गए थे तो आप लोगों को पता ही होगा, या उन्होंने कहीं रखा हो तो वो कल देख लेना। ठीक है मुझे भी अंदर देख लेना। हाउसकीपिंग साफ सफाई, आज हमने किसी ने गंदगी तो नहीं मचाई है कहीं पे भी, सबने साफ किया अपने एरिया को मॉर्निंग में, जैसे सबको बताया गया था हाफ एन आवर से पहले अपने एरिया को साफ करना है, सब लोगों ने किया था। प्लीज आप लोग सपोर्ट करो ना, विदाउट सपोर्ट तो नहीं हो पाएगा ना। यस मैम। आज का मेरा ये थॉट है, बेसिकली एपीजे अब्दुल कलाम इन्हें के बारे में सब लोग जानते ही हैं, तो इनकी 3 लाइन्स हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो उसमें से फर्स्ट है किल टेंशन बिफोर टेंशन किल्स यू, तो हमें पहले टेंशन को मारना है अदरवाइज टेंशन हमें मार देगा। ये चीज़ काफ़ी थॉट बेसिकली सबके साथ ही होता है कि जितना हम सोचते हैं उतना हम परेशानी में चलते चले जाते हैं, सल्यूशन के बदले प्रॉब्लम्स और हमारे सामने आती है, तो इसलिए हमें पहले जितना हम प्रॉब्लम को सोच रहे हैं उतना हम अगर सल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे तो उतना ही बेटर रहेगा, जिससे हम अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख पाएंगे। तो एंड सेकंड है रीच योर गोल्स बिफोर गोल किक यू, तो अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, अदरवाइज आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ नहीं पाएंगे, आप वहाँ से नीचे उतर आएंगे। ठीक है, जैसे बेसिकली आपने देखा होगा एक चींटी होती है दीवार पर चढ़ती है, तो चढ़ रही होती है और कितने बार गिरती है, वो गिरती ही है, बट उसका एक लक्ष्य है कि वो उस दीवार पे चढ़ के रहेगी और अपने गोल तक पहुंचेगी, चाहे उसे कितने बार भी नीचे गिरना पड़े, तो हमें अपने गोल को छोड़ना नहीं है, जितना हो सके हमें उसकी तरफ प्रेरित होके आगे बढ़ना है। एंड हमारे पास थर्ड लाइन है लाइफ लीव्स यू, तो हमें जिंदगी जीनी है और जितना अच्छे से हो खुशी मिजाज से हो, ये मेरा थॉट है, ये आप उसकी तरह से जोड़ सकते हैं, इस तरह से जीनी है कि कोई प्रॉब्लम के साथ हमें फेस ना करनी पड़े। और आज का मेरा एक वर्ड है सेल्फ, हम दूसरों की गलतियां हमेशा देखते हैं, हर कोई देखता है, मैं भी देखती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बट हम अपनी गलती कितनी देखते हैं ये हमें सोचना, हमने दूसरे की गलती देख ली कि हाँ इसने ये गलत किया था इसकी वजह से ऐसा हो गया, इसने ऐसा किया इसने वैसा किया, बट उसके लिए हमने क्या किया, क्या हमने उस गलती को ठीक करने का कुछ उपचार किया, कोई विचार किया, या उसने गलती किया उसको ठीक करना अगर हमें आती है वो चीज़ हम कर सकते हैं, तो ये नहीं सोचना कि उसने गलत किया तो छोड़ दो, बट उसकी हेल्प तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हम सब एक साथ हैं एक टीम है, तो एटलीस्ट हमें खुद को देखना है, तो 5 मिनट रुक के हमेशा ये सोचो कि हमने आज क्या अच्छा किया, अपने आप को खुद सोचो, अपने बारे में खुद सोचो, अपनी थिंकिंग के बारे में सोचो, या आपको सोते समय सोचो आज पूरे दिन में आपने क्या अच्छा किया क्या गलत किया या क्या रह गया क्या करना बाकी था, तो अगले दिन जब आओगे एकदम फ्रेश माइंड होगा, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है और हमसे क्या भूल हुई थी उसको हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। ठीक है, ये कुछ भारतीय संविधान है जो बेसिकली गूगल से ही लिए गए हैं, बट इसमें से कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, वैसे तो ये 11 है बट मैं ज़्यादा पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, जो मुझे ज़्यादा बेटर लगी मैं वही आपको सिर्फ बताना चाहती हूँ कि हमारे इसमें बताए गए हैं नागरिक के कर्तव्य, हमारे कर्तव्य क्या हैं, तो
इसमें सबसे पहले बताया गया है कि हमें पालन करना है संविधानों का, जो हमें संविधान हमारे बनाए गए हैं उनका हमें पालन करना है, आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज का और साथ ही साथ राष्ट्रीय गान का भी, ठीक है। एंड इसमें सेकंड था कि भारत, इसमें स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संयोजन रखें और उनका पालन करें। एंड इसका थर्ड है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन करें। जो पर्यावरण है हमें उनको भी देखना है, हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे पर्यावरण को भी हानि हो। बेसिकली हम जो प्लास्टिक का बेसिकली आज यूज के बारे में जो हम आजकल बोल रहे हैं कि हम प्लास्टिक का यूज ना करें, बट 95 उससे भी ज्यादा 95% लोग हैं जो प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं और ये होता ही है, मैं भी करती हूँ। तो जितना हो सके हम प्लास्टिक को कम यूज करें तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा पर्यावरण को फायदा होगा और आगे भी चल के किसी और को कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी जो ज्यादातर जानवरों को आती है। और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षित रखें, जैसे कि देखा होगा आपने हम जो कहीं भी घूमने जाते हैं बाहर देशों में, बाहर की मतलब यही अपने देश में ही ले लेते हैं, कहीं भी जाते हैं, अब देखो जो लोग गुटखा खाते हैं या ऐसी कुछ चीजें करते हैं तो वो कहीं भी कोने में फेंक देते हैं, थूक देते हैं, जो भी चीजें इस तरह का करते हैं या कूड़ा फेंक देते हैं, तो इससे क्या होता है हम जहाँ घूमने गए हमने उस प्रदर्शन जो भी था उसको गंदा किया, जो और भी लोग घूमने आ रहे हैं वो भी देख रहे हैं उसी चीज को करते हुए, हमें जो बाहर देशों से आते हैं वो भी देखते हैं, तो क्या सीखते हैं कि ये लोग अपनी कंट्री का इतना गंदा कर रहे हैं तो मतलब ये कैसे लोग हैं। तो इसलिए हमें पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है और अपने पुरानी जो जैसे ये जो ताजमहल टाइप के इलाके जो बनाए गए हैं इन सब को भी अच्छे से रखना है। इम्प्रूवमेंट, कीप लुकिंग फॉर वेस्ट एज दिस आर ऑल अराउंड अस, वी नीड टू टेक केयर एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट के बारे में ही है बेसिकली जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया है। आर गोल्स, इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि हमें जो डेवलपमेंट करने जो हम बनाते हैं प्रोडक्ट उनकी क्वालिटी अच्छी हो एंड जितनी हो सके कम कॉस्ट में कर सके, शॉर्ट टाइम में बट अच्छे से कर सके एंड साथ ही साथ ज़्यादा वेस्ट ना हो। और हाँ, किसी इसमें ये भी है कि इसमें पीपल की रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, उनकी इज्जत के साथ हम उनको बोल सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है किसी के साथ भी, जितना हो सके उनको तमीज़ से आप लोग बात करेंगे और उनको अच्छे से चीज़ों को समझाएंगे। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है तो हाइपर ना हो, उन्हें प्यार से हैंडल करें और उन्हें समझाएं कि क्या प्रॉब्लम है और उसका सलूशन कैसे हो सकता है, और एनवायरनमेंट भी इसी तरह से अच्छा बना रहेगा। इसके बारे में सब जानते ही हैं काइजन क्या है, तो बदलाव और अच्छे के लिए, तो जो भी हम बदलाव कर रहे हैं और इससे कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उसे काइजन कहा जाता है। ये हमारे एक वेस्ट है जो लीन में दिए गए हैं, डिफेक्ट्स, वेटिंग टाइम, एक्स्ट्रा मोशन, एक्सेस इन इन्वेंटरी, ओवर प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग, अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइज्ड टैलेंट्स। इसमें दिखाया गया है कि काइजन के वेस्टेज और वैल्यूएबल कितना काम करती है, एक कंपनी जो है काइजन के प्रति कितनी समर्पित है, वो काइजन इसमें ये बता रहा है कि हम काम कितना करते हैं। बेसिकली इसमें बताया गया मीन्स 100 में से 95% जो है वो वेस्टेज है, बट अब मुझे नहीं फील होता है खुद से कि हमारी कंपनी में 95% वेस्टेज है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारी कंपनी काइजन अपना रही है, लीन अपना रही है, इस तरह की साफ सफाई कर रही है, हम 5% से ऊपर उठ गए हैं, ये मेरा मानना है और ये सिर्फ आप लोगों की वजह से ही है। इसमें बेसिकली इसे दिखाया गया है कि ये जो शिप है, इस पिक्स को तो आप लोग सारे देख ही रहे हो, तो इसके बारे में सबसे बताया ही है, ये शिप एक आयोटा फ्लोटिल है। तो ये शिप जब मुझे ये दिखाया गया था ये पिक, तो मुझे यही लगा था कि शिप एंड वाटर एंड ये सब क्या मतलब हो गया इसका, तो मुझे देख के लगा कि शिप एक आयोटा फ्लोटिल है, मतलब हम सब हैं तो ये शिप है, अदरवाइज हम सब नहीं होंगे एक साथ
तो ये शिप भी टूट जाएगी ना। तो इसलिए हम सब एक शिप की तरह है और ये कंपनी की जो भी वेस्टेज जो भी प्रॉब्लम्स है ये पानी के नीचे ही है, जो हमसे छुपी रहती हैं और ये तभी दिखाई देती हैं जब हम ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करते हैं, अपने में पाने की कोशिश करते हैं, तो हम पता चल जाते हैं कि क्या वेस्टेज है, क्या प्रॉब्लम्स हैं इस कंपनी में। क्योंकि इसमें दिखाया गया है लंबा सेटअप टाइम है, अस्थिर कार्यक्रम, मैनेजमेंट रख रखाव मशीन का जो आप लोग करते ही हैं, अच्छे से रख रखाव कर ही रहे हैं और लंबा सेटअप समय आप कोई नहीं ले रहा है, जो भी थोड़ा बहुत हो रहा है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा आई होप सो। और कार्य अनुपस्थित होना अभी भी चल रहा है बट पहले से बहुत बेटर है, आई होप कि इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाए कि सब टाइम से अपना छुट्टी लेना मना नहीं करना चाहता है, सिर्फ इसलिए मना करते हैं कि आपकी वजह से काम ना रुके, क्योंकि हम लोग सब एक चैन की तरह है, जब आप लोग नहीं होते हैं या कोई भी एक पर्सन मिस होता है तो वो चैन टूटती है जिसकी वजह से काम रुकता है। इस वजह से आप लोगों को कहा जाता है कि इस टाइम पे छुट्टी मत लीजिए या ऐसा मत कीजिए, बट हाँ आप छुट्टी ले सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, देखिए सबके साथ प्रॉब्लम्स आती है, कोई भी ले सकता है, मना नहीं है, बट हाँ अगर आप पहले से बता देते हैं तो हम आगे उस काम को किसी और को प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप खुद आप जिसमें विश्वास करें कि वो काम आपका बंदा कर सकता है तो आप उसे बोल सकते हैं, जिसकी वजह से वो काम ना रुके, काम नहीं रुकना चाहिए, काम चलता रहेगा तो ये हमारी कंपनी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी, मानते हैं ना सब आप लोग। और रिवर्क, तो इसमें रिवर्क का काम प्रोडक्शन में ज़्यादातर होता है, हमारे काम में भी होता है, मुझे भी देखते रहना पड़ता है, ठीक है, तो रिवर्क जितना हो सके अगर कम हो उतना अच्छा है। एंड प्रोसेस की अड़चन है अवरोध, खराब रख रखाव की व्यवस्था, तो अब तो रख रखाव बहुत अच्छे से होने लग गया, सारे सामान आप लोग टूल्स सारे अच्छे से ही रख रहे हैं, तो अब तो इतना नहीं है बट अगर फिर भी थोड़ा बहुत हो वो आप लोग हैंडल कर लोगे आई थिंक, है ना, सब हो जाएगा ना, जो भी खराब है सब ठीक कर दोगे। और मैंने कायोटा फ्लो का प्रिंसिपल एक लिया है जो मुझे पंद्रह सर्कस से मिला था, एवरीथिंग ऑफ वैल्यू कम्स आफ्टर मच हार्ड वर्क, अगर आप हार्ड वर्क अच्छे से करते हैं तो कोई भी वर्क नहीं है जो पूरा ना हो सके, हम सबके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि हम जो चाहते हैं हम वो कर सकते हैं, सिर्फ अपने आप को जानने की ज़रूरत है, अगर आप अपने आप को जानते हैं, अपने आप को समझते हैं और आपको उस लायक समझा जाता है तभी वो काम आपको दिया जाता है, तो आपको उस लायक अपने आप को भी समझना है, सेल्फ मोटिवेट करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है अंदर कि आप उस काम को उतने अच्छे से कर सकें। आज कोई रिपोर्ट नहीं है, ओके, प्रोडक्शन रिपोर्ट है, एक मिनट मैं बताता हूं जी, ये आपकी प्रोडक्शन रिपोर्ट है, पहले 7 प्रोडक्ट दे रहे थे हम, फिर वो रिवाइज हो गए 5 हो गए, ये 5 जो है हमारे 4 वाटर मीटर है और एक टेलीमेट्रिक पैनल है जिसमें कोई मॉडिफिकेशन किया गया, सर्वे कंप्लीट है हमारी, आज हमें कंप्लीट रिसीव हुई है जिसमें कस्टमर है स्टर्लिंग एंड विल्सन मैगमीटर और मैगमीटर में सेंसर फेल बताया कस्टमर, आज टीम ने 2 कंप्लेंट रिजॉल्व की है, एक केस नंबर 152 है जो मोरिंडा शुगर मिल का है और एक केस नंबर 96 है जो डीएमआरसी कालका जी का है, जिसमें एक कैलिब्रेशन थी और एक बैकमीटर का इशू था वो रिजॉल्व हुआ है, एक्टिव कंप्लेंट्स आज की डेट में 23 है हमारी, क्वालिटी विनय ये डिस्प्ले पे इस पे थिनर मार दिया था जिसकी वजह से उससे क्या हुआ था कि नेम प्लेट लगा रहे थे तो पहले लगा था एलपी से चिपका रहता था तो हाथ में चिपक जाने की वजह से वहाँ फिंगर जो चिपक गया था इसी वजह से हुआ, तो कौन सा वीडियो दिखा है कौन सा डिस्प्ले कवर पे एलपी से चिपका है तो जो नेम प्लेट आता है उसके रिसेप्शन सोल्यूशन आ जाता है नेम प्लेट लग गया डीएनए के लिए तो सीरियल नंबर लगता है नीचे वो जो दो प्लेट्स वो कैसे चेक करेंगे
थे उससे और कुछ उससे चिपकानी थी बट उन्होंने एल पी यूज़ करी, उनको पता नहीं है पता भी नहीं था वहाँ पे नहीं बोन फिक्स नहीं था। आप पहली बार चिपका रहे जी, आपसे पहले कभी नहीं चिपका? इससे पहले जैसा एम एफ पोडो में चिपकाया था एल पी से चिपका था, तो उसमें कोई दिक्कत ना ये यहाँ चिपक जाने वाले से। अभी क्या पता लगा? एल पी से नहीं चिपकाना था बस मैंने आपको बोला भी लेकिन उससे थिनर मत मारो सर जी, वाइट हो गया था उस पर पहले तो बोल थिनर मत मारो बोला भी लेकिन तब भी आपने मान लिया। डिस्प्ले तो वाइट हो गया था जो हाँ चिपक गया था जो एल पी से, तो उसकी वजह से वाइट हो गया था उसकी चेसिस। नहीं तो अभी क्या करोगे आगे से? आगे से सर एल पी से नहीं चिपका। फिर किससे चिपकाएंगे? सर गाँव आता है ना सोल्यूशन से दिखाया है सर ने दिखाया कि जिससे चिपका रहा है चिपकाया है। कौन सा सोल्यूशन कौन सा सर जो आप चिपका रहे ये हर वक्त इनको साथ रखोगे? नहीं नाम बता रहे कौन सा सर सोल्यूशन। नहीं तो क्या होने वाला है मुझे समझ नहीं आ रहा, सब गोल गोल घूम जा रही है, उसे भी नहीं पता आपको भी नहीं पता बाकी फ्लो मीटर कैसे बन रहे हैं अगर बिना बॉन फिक्स के हम कैसे बुला रहे हैं? ये बॉन फिक्स है हमारे पास है तो उसे क्यों नहीं पता सर के पास आज आगे पहले लिया नहीं है या पूछा नहीं है ये उसमें है क्या इसके वर्क इंस्ट्रक्शन शीट में? अभी नहीं है उल्टा लगा दिया था सर उस टाइम अलग ही इस प्रदीप को अलग ही वाला जो सेल लगाते हैं ना उसको इसको चाहिए थी अलग वो अलग वाला सेल लगाने की, तो पवन सर ने कहा था कि इसको इकट्ठी दे दो और ये 15-20 इस पर काम कर लिया सर। मैंने वो उस पर डील करने लग गया था तो मैंने 10 मिनट के लिए प्रदीप को दी थी डिस्प्ले, मैंने कहा था तो इसको सेल लगा दी मैं दूसरा काम करता हूँ। अब सर ये कह रहे हैं कि तेरे से हुई है, ये कब की बात है सर? अभी की बात है पर आज तो अब तो हम लोग इस रूल से काम कर रहे हैं ना, जो एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है वो अपना पूरा काम करेगा।